कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ। B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंडरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुनहानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो सबसे पहले अहिंसाण व्रत के आचार के अतिचारों की चर्चा प्रारंभ होती है। बंध बदत छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। बंध बदत छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। बोलिए। बंध बदत छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। बंध श्रावक है, घर में गाय भैंस बांध रखे हैं, उन्हें इतने कस के न बांधे, बंध माने उन्हें इतने कस के न बांधे जो वे इच्छानुसार गमन भी न कर सकें। उनकी गर्दन नीचे कस के ऐसे बांधे जिससे पीड़ा हो, ये पहला अतिचार है बंध। सूत्र बहुत स्पष्ट है। दूसरा अतिचार है बध। बध का मतलब उनको डंडे से, चाबुक आदि से मारना। सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है अगर ऐसा करता है ना, तो अहिंसाण व्रत में दोष लगता है, अतिचार लगता है। छेद, उनके नाक आदि को छेदना, उसमें रस्सी लगानी है, क्या करेंगे, उनमें छेद करना है। व्रती ऐसा काम नहीं करेगा, अगर करता है तो उसके अहिंसाण व्रत में दोष लगता है, बहुत पीड़ा का काम है ये। अति भारारोपण, जितना वजन लादना चाहिए उससे ज़्यादा वजन लादना, जितना काम लेना चाहिए उससे ज़्यादा काम लेना, अति भारारोपण है। इसमें भी सामने वाले को पीड़ा बहुत होती है। हिंसा इसी का नाम तो है, सामने वाले किसी को दुख देना, इसका नाम हिंसा। और अन्न पान निरोध, अर्थात समय पर उसे खाना या पानी नहीं देना, उसका निरोध माने रुकावट करना, इससे भी उस जीव को बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। फिर एक बार देखें, अहिंसाण व्रत के 5 अतिचार कहे हैं। पहला अतिचार बंध, उस जानवर आदि को कस के बांधना ताकि उसके गर्दन आदि में पीड़ा हो जाए, इच्छानुसार गमन न कर सके, अगर आग लग जाए तो अपनी जान भी न बचा सके। वध, वध माने चाबुक कौड़े आदि से मारना। छेद, नाक कान आदि का छेदना। अति भारारोपण, भार जितना भार लादना चाहिए उससे ज़्यादा भार लादना। और अन्न पान निरोध, समय पर खाने पीना ना देना, उसकी रुकावट करना। सामने वाला जो भी है वो भूख और प्यास से बहुत दुखी है, लेकिन ना देना, इससे भी हिंसा लगती है। अतः ये 5 कार्य अहिंसाण व्रत के अतिचार हैं। ये अतिचार जो आपने बताए हुए हैं, ये अतिचार पशुओं पर लागू होते हैं या पुरुषों पर भी होते हैं? ये पशुओं पर तो होते ही हैं, मनुष्यों पर भी होते हैं। कैसे होंगे? जैसे बंध, किसी को अपने गांव जाना है, गांव में किसी की डेथ हो गई है या कोई ख़ास बात है, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मेरा सारा काम निपटाओ तब जाने दूंगा, उससे पहले नहीं, नहीं जा सकते हो, बंध, उससे उसे कितनी पीड़ा होगी। मान लो घर में नौकर है, काम ठीक नहीं किया,
आपने उसकी पिटाई कर दी तो भी तो अतिचार होगा। अतिभारारोपण, मान लीजिए दो नौकर थे, एक नौकर चला गया, अब दूसरे नौकर से आपने कह दिया वो नौकर चला गया है, चार दिन छुट्टी पे है, सारा काम तुम्हें निपटाना है। मालिक, इतना काम मैं नहीं निपटा पाऊंगा। निपटाओगे कैसे? नहीं, हम थोड़ी करेंगे तुम्हारा काम, सारा काम निपटाओ। उस पर अतिभारारोपण कर देना, और जब तक ये काम नहीं निपटेगा ना, तब तक खाने पीने की बात नहीं। पहले काम निपटाओ, फिर खाना पीना मिलेगा। अन्न पान निरोध, ऐसे बहुत से प्रसंग आते ही रहते हैं। तो अगर ऐसे प्रसंगों में उन नौकर आदि के साथ ऐसा व्यवहार होता है, या किसी भी अन्य परिवारी के साथ या किसी अन्य मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो उसमें अहिंसानुव्रत में दोष लगता है। व्रति तो बड़ा सरल परिणामी, बड़ा संतोषी, बड़ा शांत परिणामी होता है। सम्यक दर्शन के चार गुण बताए हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। प्रसम माने उसकी तो कषायें बड़ी मंद होती हैं, अनुकंपा बड़ा दयावान होता है। ये पांचों तो निर्दयी के चिन्ह हैं, ये निर्दयी के चिन्ह व्रति में नहीं होते। आचार्यों ने उसकी लेशिया पीत पद्म शुक्ल लिखी है, कृष्णील कापूर, तीन लेशिया तो व्रति के होती ही नहीं। तो जिनके तीन लेशिया नहीं हैं, उनके ऐसे परिणाम कैसे हो सकते हैं? फिर भी अगर क्वचित कदाचित भी होते हैं तो वे अतिचार माने जाते हैं। अगर व्रति अपनी शुद्ध दूध आदि के लिए जानवरों को पालता है तो उसको बांध के ही रखना पड़ेगा, तो कैसे काम बनेगा? शास्त्रों में, श्रावकाचारों में इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं लिखी है। उन्होंने लिखा है, यदि व्रति गाय भैंस आदि पाले तो उनका एक बाड़ा बनाए, बाड़े में गेट बंद करे, लेकिन जानवरों को खुला रखे, बांधे ही नहीं। उन्होंने लिखा है, श्रावक को शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, कैसे मिलेगा? मिलेगा, जानवर बांधे, पर बांधे नहीं। जानवर रखेगा तो सही, बांधेगा नहीं, खुले में रखे। अच्छा, ऐसा खुले में नहीं रख सके, अगर ऐसा बाड़ा नहीं हो तो उसकी रस्सी 10-20 गज लंबी हो, ताकि वो कहीं जाए तो नहीं, लेकिन इच्छानुसार गमन कर सके, इतना हल्का बंधन हो। अपने नौकर चाकर भी मान लो हो, उनकी पीड़ा का जरा भी अनुभव हो, फौरन, मैंने सुना है तुम्हें फला फला कष्ट है, हाँ जाओ अभी आराम करो, काम तो बाद में हो जाएगा, ऐसा परिणाम होना चाहिए। नहीं तो कैसा सम्यक दृष्टि और कैसा वृत्ति। आचार्यों ने मना नहीं किया, आचार्यों ने पशुपालन को योग्य कार्य माना है, लेकिन अगर वो तरीके से किया जाए तो। हर व्रत के पांच पांच ही अतिचार कहे है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं? कम होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आचार्यों की दृष्टि बहुत बहुत विस्तृत होती है। लेकिन अधिक, हाँ, इसके यहाँ मुख्य मुख्य अतिचारों का वर्णन किया। इसके अलावा अन्य और भी ऐसे कार्य जो व्रत में दोष लगाने वाले हों, उनसे उसको बचना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से पांच पांच अतिचारों का वर्णन यहाँ कर दिया गया। अब सत्यानुव्रत के पांच अतिचारों को अगले सूत्र में देखते हैं। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। बोलिए। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। सूत्र बिल्कुल सरल है और पांच जो अतिचार हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहला अतिचार मिथ्योपदेश, दूसरा रहो व्याख्यान, तीसरा कूटलेखक क्रिया, चौथा न्यासापहार, पांचवा साकार मंत्र भेद। आइए अब जरा इनको समझते हैं। पहला मिथ्योपदेश, आत्मकल्याण के जो उपदेश हैं उनको बदल देना, कल्याणकारी सुख देने वाले उपदेशों को न देकर झूठे उपदेश उनको अपनी मनमर्जी से बदल कर पढ़ाना, बताना,
मिथ्योपदेश है, झूठे उपदेश देना। रहो व्याख्यान, किसी स्त्री पुरुष की कोई क्रिया एकांत की देख ली हो तो उसको प्रकट कर देना, सामने वाले को उससे बहुत पीड़ा होती है। झूठ की परिभाषा है पर पीड़ा कारक वचन, चाहे सत्य हो फिर भी झूठ है। कूट लेखक क्रिया अर्थात किसी को बदनाम करने के लिए, किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके संबंध में झूठे लेख लिख देना या झूठे दस्तावेज तैयार करना ताकि वो मुकदमा हार जाए, नकली कागज बना लेना, इसका नाम कूट लेखक क्रिया। न्यासापहार, न्यास और अपहार मतलब धरोहर का हड़प जाना। धरोहर का हड़प जाना दो तरह से होता है, कोई आपके पास कुछ सामान रख गया था, जब वो लेने आया तो कह दिया किसी और के यहाँ रखा होगा, हमारे पास तो आपने कोई सामान रखा नहीं, ये तो महाचोरी हो गई, ये तो महान झूठ हो गया, इसलिए ये तो व्रत भंग हो जाएगा, ये अतिचार नहीं है। तो अतिचार क्या है न्यासापहार में? न्यासापहार में ये है कोई आपके पास 6 चूड़ियाँ मान लो 40,000 रुपये में रखे गया था, जब वो लेने आया तो उसने आपको रुपया और ब्याज दिया और बोला मेरी 4 चूड़ियाँ दे दीजिए, तो उसको 4 चूड़ी दे देना, 2 चूड़ियाँ उसकी रह गई उसके बारे में न बताना, ये न्यासापहार है। व्यापार में ऐसा होता है, हमारा आपका लेन देन चल रहा है, हिसाब मिलाने बैठे, सामने वाले ने हिसाब मिलाते हुए मान लो एक रकम वो भूल गया, उसने हमें 10,000 रुपये दिए थे, हमारे यहाँ आए थे लेकिन हमने उसे नहीं बताए, अगर ऐसा किया तो न्यासापहार, ये सत्यानु व्रत में दोष लगेगा। स्पष्ट बोलिए भैया हमारे यहाँ 10,000 रुपये और आए हैं, आप अपने यहाँ देख लेना। और साकार मंत्र भेद, किसी की कोई बात मान लो टेलीफोन पर सुन ले और किसी इशारे आदि से जान ले और फिर उसको लीक कर दे, इसका नाम है साकार मंत्र भेद, इससे भी सामने वाले को पीड़ा होती है। इसलिए सत्यानु व्रत के 5 अतिचार ना लगें। कौन कौन से हुए? मिथ्योपदेश, झूठे या गलत या अकल्याणकारी उपदेश देना, रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष की एकांत की क्रिया को प्रकट कर देना, कूट लेखक क्रिया, किसी के बारे में झूठे लेख झूठे दस्तावेज आदि बनाना, न्यासापहार, धरोहर का हड़प जाना, और साकार मंत्र भेद, किसी के इशारे आदि को समझकर उसके इशारे या उसका पर्पस उसका प्रयोजन लीक कर देना, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। क्या सत्यानुव्रति वकालत का पेशा कर सकता है? उसे तो झूठे केसेस भी लेने पड़ते हैं, लेख भी लिखने पड़ते हैं, तो क्या वह सत्यानुव्रति कहलाएगा? ऐसा नहीं कि वकालत के पेशे में झूठ बोलना ही पड़ता हो। हमारे एक रिश्तेदार वकील हैं, हमने उनसे पूछा आपका पेशा तो बहुत गंदा है, उन्होंने कहा नहीं मैं एक पैसे भी गलत काम नहीं करता। हमने पूछा आप क्या करते हैं? मैं बैंकों के केस लेता हूँ, बैंक वाला मुझे केस देता है, इससे 12 लाख, इससे 25 लाख, इससे 30 लाख लेने हैं, मैं सिर्फ उन्हीं केसों को करता हूँ, एक पैसा भी झूठ सच बोलने का काम नहीं। मैंने और भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, एक वकील साहब हमारे मित्र हैं, बहुत धर्मात्मा, रोज पूजा करते हैं 2 घंटे, वो स्पष्ट कहते हैं केस देखने के बाद मैं अगर देख लूँ ना ये केस झूठा है तो उसके सो कहता हूँ नहीं भैया केस तुम्हारा झूठा है, मैं नहीं लूँगा, मैं किसी को पीड़ा नहीं दे सकता। वकील का काम तो बड़ा अजब होता है। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना मुझे याद है, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वो कभी भी गलत केस नहीं लेते थे। एक बार उन्होंने एक व्यक्ति का केस ले लिया, बहुत अच्छी तैयारी की और कोर्ट में पहुँच गए। बाद में मालूम पड़ा उस व्यक्ति ने कहा मेरा केस मुझे आज जिता दीजिए, मैं गलत तो हूँ पर आपके हाथ में मैं सुरक्षित हूँ। उन्होंने इतना सुनना था कि जज के सामने स्पष्ट कह दिया, जज साहब देखो मेरा मुवक्किल झूठ है,
इसको बिल्कुल पनिशमेंट दे दीजिए। उन्होंने स्पष्ट जज के सामने बोल दिया। तो ऐसा नहीं कि हाँ सारे वकील ही गलत काम करते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वकालत में झूठ सच का काम बहुत होता है। सत्यानुवृत्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता। अब अचौर्याणुवृत्त के अतिचारों को देखते हैं। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः प्रतिरूपक व्यवहाराः। बोलिए। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। प्रयोग किसी को चोरी के प्रयोग बताना, चोरी की अनुमोदना करना, स्तेन प्रयोग। दूसरा तदाहृतादान। अब ध्यान से देखना, जिसको चोरी का प्रयोग, चोरी के बारे में बताया था तुम यूं जाके ऐसे चुराओगे तो माल चोरने में आ जाएगा, अगर वो लाता है माल चुरा के और आप खरीदते हैं तब तो अतिचार नहीं अनाचार है। लेकिन अन्य कोई चोर चोरी का माल लाया हो और उसे आप खरीदते हैं तो तदाहृतादान, चोर के द्वारा चुराया गया माल खरीदना, ये बिल्कुल चोरी का दोष है। और अब देखा भी जाता है जब कोई चोर माल बेचने आता है ना, माल बेच जाता है, बाद में जब पुलिस पकड़ती है तो वो कहता है मैंने माल यहाँ बेचा, तो उसको तो पकड़ता है, जिनने खरीदा उसको भी पकड़ता है, क्यों, वो भी तो चोरी है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, देखें शब्द का अर्थ, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम माने उल्लंघन करना। मान लो मध्य प्रदेश से गेहूं राजस्थान में जाने की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, अगर हम चोरी छिपे मध्य प्रदेश से गेहूं राजस्थान में भेजते हैं तो विरुद्ध राज्यातिक्रम कहलाएगा। जहां राज्य ने बंधन लगाया हुआ था आपने उसका उल्लंघन क्यों किया? सरकार ने जो टैक्स आदि लगा रखे हैं उन टैक्स आदि का अगर हम पेमेंट ना करें, कुछ का कुछ लिख दें ताकि कम देना पड़ जाए, ये सब चोरी है। और अगर अचौर्याणुवृत्ति है तो उसके उसमें अचौर्याणुवृत्त में दोष लगेगा। एक बात विशेष और, यदा कदा हो जाए तब तो कहलाता है अतिचार, और जिसने पेशा बना लिया है उसका तो अनाचार है। उसका अतिचार कैसा? अतिचार यदा कदा दोष लगते हैं। अतिचार का प्रायश्चित तो होता है, अनाचार का प्रायश्चित नहीं होता। क्यों? रोज दोष लगाते हो, रोज चोरी करते हो टैक्स शादी की, तो इस टैक्स शादी की चोरी का अब क्या प्रायश्चित दिया जाए? कभी भूल चूक से कोई गलत काम हो जाए तब तो इस पर विचार हो भी सकता है। विरुद्ध राज्य का अतिक्रम करना, हीनाधिक मानोन्मान, हीन अधिक मान और उन्मान, अर्थात मान उन्मान मतलब नापने और तोलने के लीटर या बाट आदि, हीन अधिक कमती बढ़ती रखना। सामान लेना है तो लीटर बड़ा, सामान देना है तो लीटर छोटा। हमारे यहाँ एक दूध वाला था, हम उसके यहाँ गए तो वो क्या कर रहा था, पत्थर के ऊपर जो लीटर का बर्तन था एल्यूमिनियम का उसको उल्टा करके घिस रहा था। हमने कहा क्या कर रहे हो, थोड़ा घिस लूँ बाबू, थोड़ा दूध बच जाएगा तो अच्छा ही तो है। ऐसा करता है। हीनाधिक मानोन्मान अर्थात नापने और तोलने के, नापने और तोलने के जो लीटर या बाट आदि हैं उन्हें कमती बढ़ती रखना। और प्रतिरूपक व्यवहाराः, प्रतिरूपक एक सी दिखाई पड़ने वाली दो वस्तु, सस्ती और महंगी, उनको मिलाकर महंगे के भाव बेचना। प्रतिरूपक व्यवहाराः, एक सी दिखने वाली दो महंगी और सस्ती वस्तुओं को मिलाकर महंगी के भाव बेचना। जीवन का एक उदाहरण आपको बताऊं,
एक बच्ची के लिए तोड़िए खरीदने थे, एक अफसर ने कहा था चांदी के तोड़िए लाके दे देना। अपने एक रिश्तेदार तोड़िए बेचने का काम करते थे, मैं उनके पास स्वयं गया। मैंने उनसे कहा बच्ची के दो तोड़िए दे दो। उन्होंने मुझे दिए, मैंने कहा बिल्कुल शुद्ध चांदी के देना। उन्होंने कहा आपसे मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल शुद्ध चांदी के दे रहा हूँ, 90-95% चांदी होगी, थोड़ी बहुत तो मिलावट बिना तो होता नहीं ना काम। मैंने कहा ठीक। मैंने वहाँ से तोड़िया लिए और उन साहब के यहाँ दे दिए। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था चांदी वाले से आप सामान ठीक ले आएंगे, मैंने उनको दे दिए। करीब 10-12 दिन हुए होंगे, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बुला के कहा आप तो कह रहे थे शुद्ध चांदी के हैं, ये तो प्योर गिलट है। बहुत दुख हुआ उस दिन से, एक बार इतना दुख हुआ कि उनकी दुकान नहीं, उनसे बोलचाल करने में भी मुझे झिझक हुई। प्रतिरूपक व्यवहार आ, ये तो इन्होंने अनाचार कर दिया। दो वस्तु मिला के और महंगी के हिसाब से बेचने की बजाय आप गिलट बेचते हो, सगे आदमी को बेचते हो और चांदी कह के बेचते हो, कितना अन्याय है। तो ये आचौर्याण व्रत के अतिचार हैं। एक बार फिर समझें, इस्तेन प्रयोग, किसी को चोरी के उपाय बताना। तदा हृता दान, जिसको चोरी का उपाय बताया था उससे नहीं पर अन्य किसी और चोर से चोरी का माल खरीदना। जिनका चोरी के माल खरीदने का व्यापार है उनके तो आचौर्याण व्रत होने का प्रश्न ही नहीं, लेकिन भूल चूक से कभी लेने में आ जाए तो भी दोष होगा। विरुद्ध राज्यातिक्रम, विरुद्ध राज्य का उल्लंघन करना अर्थात राज्य के नियमों को नहीं मानना। हीनाधिक मानोन्मान, तोलने और नापने के लीटर या बांट आदि कमती बढ़ती रखना। और प्रतिरूपक व्यवहार अर्थात एक सी रूप रंग में दिखने वाली दो वस्तुओं को मिलाकर और असली के भाव बेचना, महंगी के भाव बेचना। अगर आपने चांदी का कोई सामान बनाया और उसमें मान लो 50% चांदी है और 50% मिलावट, तो आप ये कह के बेचिए कि इसमें 50% चांदी 50% मिलावट है, तब तो ठीक है। अगर आप उसको 60-70 कह के बेचते हैं तब उसमें आचौर्याण व्रत में दोष लगता है। इस प्रकार आचौर्याण व्रत के 5 अतिचार हुए। आजकल तो पंडित जी टैक्स की चोरी सभी करते हैं, बिना टैक्स चोरी किए तो व्यापार हो नहीं सकता, फिर हम क्या करें? ऐसा मत कहिए कि बिना टैक्स की चोरी के व्यापार होता नहीं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे व्यापार रख रखे हैं, एक पैसा भी टैक्स की चोरी नहीं होती और बड़े आनंद की नींद सोते। ऐसा नहीं कि टैक्स की चोरी करनी पड़े। टैक्स की चोरी कहाँ की जाती है? जहाँ ज़्यादा आमदनी करनी हो। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स वगैरह के कानून इतने लिबरल बना दिए हैं अब कि उनमें ज़्यादा टैक्स की रेट भी नहीं है, छूट भी बहुत है। लेकिन आप चाहते हैं कि टैक्स देना ही नहीं पड़े और सारा का सारा मेरे घर में रह जाए, अगर ऐसा है ना, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा व्यापार चुनना चाहिए जिसमें टैक्स चोरी की नौबत ना हो। आज भी ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं, आप घर उसमें दुकान में एंटर होइए, सारा माल एक नंबर से मिलता है, टैक्स की चोरी का कोई सवाल नहीं। चाहिए क्या? ईमानदारी से जितना पैसा मिले उसमें हम संतोष करना सीखें। हमें संतोष नहीं होता, हमारी तृष्णा बहुत है तो हम क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। बिल्कुल गलत है, टैक्स की चोरी करना चोरी ही है। आप सोचिए जो टैक्स की चोरी करते हैं उनका दिल हमेशा धड़कता रहता है। दरवाजे पे आके कोई जीप रुके, कोई गाड़ी रुके तो क्या होता है, धड़कन बढ़ जाती है, कौन आया, क्या आया, पुलिस क्यों आई, क्या हुआ। हम एक घटना आगरे की बताते हैं। आगरे में एक सज्जन थे, वो सोने चांदी की मोतियाबिंद वाली, मोतियों वाली जंजीर बनाने का काम करते थे, उन्होंने बहुत रुपया कमाया। इत्तफाक की बात, सुबह दरवाजे पे घंटी बजी, वो सज्जन सेठ साहब खुद जो थे वो उठे, उन्होंने गेट खोला, इनकम टैक्स वाले ने रेट का उनको ऑर्डर दिखाया, आपकी सर छोनी है। ऑर्डर देखते ही वो गिर पड़े और उनका हार्ट फेल हो गया। इतना क्यों कमाना,
कम कमाने में संतोष क्यों नहीं रखते? ज्यादा जिसको तृष्णा है, ज्यादा हाय हाय है, वही ज्यादा चोरी करता है। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ। B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार कोल्हापुर, रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार पंडरपुर, प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेली बाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुनहानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।